सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर किसी को भी E3 एरर आ रहा है, अगर एंड बटन की जगह में अगर आपको E3 एरर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? क्योंकि कल अचानक से रात के टाइम में मेरे यहाँ पे E3 आ गया था। एंड का पता नहीं, क्योंकि वहाँ से तो मतलब इसने बीप करा था कि हाँ ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है, लेकिन मैं काफ़ी देरी के बाद उठ के आई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा था E3, सिर्फ E3 लिखा हुआ था, एंड की जगह यहाँ पे E3 लिखा हुआ था। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो मेरा जो रिनसेट था वो ओवर होने वाला था, मतलब ख़त्म हो गया था, लेकिन इंडिकेशन उसने कल रात में दिया था जब मैंने एंड मतलब सब कुछ ओपन बंद कर दिया था तब। तो अगर आपको कभी भी एरर आया, किसी भी स्पेशली E3 एरर अगर आ रहा है आपको, तो बस आपको रिनसेट है उसे फिल कर लेना है, और जो सॉल्ट है एक बार उसको देख लेना है कि वो कितना है और कितना नहीं है, और जो इसका फिल्टर है, जो इसके अंदर एक फिल्टर है, आपको उसको एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मे बी उस सिचुएशन के बाद आपकी E3 एरर है वो नहीं आए, एंड आई रियली होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।